क्या है आपका नाम? ये हमारे गांव की टंकी है जहाँ से पानी स्टॉक होता है। और उधर देखो सामने, ये देखो हरिद्वार एरिया पूरा दिखता है मेरे गांव से। सूरज भी निकल चुका है, सुबह का नजारा कुछ इस तरह से है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आज मौसम तो कुछ ख़राब भी लग रहा है, इस तरफ से बादल आने शुरू हो गए। तो अब हम जो है घर से निकल गए और अब हम जाएंगे वापस और अपने गांव को करते हैं बाय बाय। यहां से आपको गांव का व्यू दिखाता हूं एक बार। इधर प्याज है, उस तरह भी जो है प्याज लगाए गए हैं और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगाया हुआ है और इस तरह भी लगाया है देखो। और इधर देखो चाची हमारी प्याज में पानी चढ़ी। हाँ चाची, हाँ जान बढ़ गया चाची। माँ और शायद परवा दे परसों वाले। हाँ लो और हमारे गांव से जो है रिस्के जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला रास्ता है जो इधर से होके उस तरफ होके राम जिले लक्ष्मण जिले होके रिस्केज पहुँचता है और दूसरा रास्ता जो है वो इस तरफ है जो माँ विंध्यवासिनी होके गंगापुर होके ऋषिकेश पहुँचता है। तो ये वाला जो रास्ता है ये करीब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये वाला जो रास्ता है वो करीब 55 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो दो बोतल जो है पानी भर लिया मैंने। सामने जो है हमारा पानी है, चमली का पानी बोलते हैं इसको। और ये जो पानी है ना बहुत ठंडा हुआ है। अब हम जा रहे हैं घर, पहले जाएंगे गंगा भोपुर, वहाँ पे दीदी रहते, दीदी के पास। यहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी है और इस तरफ गांव है, देखो गांव का रास्ता है उस तरफ, इस वाली पानी लाने के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे माँ विंध्यवासिनी के रास्ते से। तो हम जा रहे हैं वापस अपने ननिहाल के गांव से। अब हम जा रहे हैं वापस, भांजा जा रहा अपने ननिहाल से। तो हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज भी आती होगी। सड़क देखिए कितनी ख़राब है, बहुत ख़राब। तो देखो हमारे बड़े भाई की बैठ गया थोड़ा कम। जान लीजिए हाँ है। तो हमें जो है माँ विंध्यवासिनी में हम लोग जो है कच्चे रास्ते से आए, तो धूल दाल बहुत हो गई है। रास्ते से हम आए हो ना बहुत कच्चा रास्ता था और उस रास्ते में जो है धूल मिट्टी काफ़ी हो गया है। तो यहाँ पे धूल नदी है, हम लोग अभी थोड़ा अपनी हालत सुधार लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर निकलेंगे। और मेरे ऊपर जो है माँ विंध्यवासिनी है। तो ये है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर।
धूल से बुरे हाल हो गए हमारे। अभी जो है दूर काफ़ी था, तो अभी साफ सुथरा कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। अरे भी इसकी हालत देखो क्या हो रखी है, और मैं तो जा रहा हूँ इस पानी में, जूते वगैरह तो डर नहीं है। यहाँ जो है छोटी छोटी मछलियाँ आपको निकलते हैं करीब से, गाड़ी भी आ रही है। ये सब लोकल गाड़ियाँ हैं जो लोकल सवारी लेके जाते हैं ऋषिकेश से पहाड़ों में जो भी गांव होते हैं। और हम पहुँचे हैं दीदी के घर पर, मस्त है। क्या कर रहे हमारी दाढ़ी सफेद।